मेरी चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। मेरी चैनल का नाम आपको तो पता ही होगा, न्यू वर्ल्ड। और मैं आज आपके लिए लाई हूँ किरमिच की गेंद। किरमिच पता है क्या होता है? देखिए, इस बॉल को कहते हैं किरमिच की गेंद। इससे हम क्रिकेट खेलते हैं। इसका जो मटेरियल से ये जो बनता है, एक मोटा सा कपड़ा टाइप होता है उस। देखिए, गर्मी की छुट्टियां थी, दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बागीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वो वस्तु क्या हो सकती है। मतलब दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था, तभी उसके बगीचे में एक धम से आवाज़ हुआ, तो उससे ही पता चल गया कि वो क्या चीज़ थी। तब उसकी माँ मशीन चलाते चलाते बोली, अरे कहाँ जा रहे हो? उसने अपने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी थी। अब जून का महीना था तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। यहाँ पे लिखा गया है, धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने का भी चिंता नहीं था। वो जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। अब देखिए उसके बगीचे में क्या क्या थे ये सब लिखे गए हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे जाके वो सब उलट पालट करके ढूंढता रहा। बराबर में ही घूस ने अंडे गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमकती किरमिच की गेंद। परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की तीमंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के उस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। फिर कौन खरीद सकता है ये नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी हुई है तो इस दोपहर में इसे नीचे कौन फेंकेगा? तो अब वो सोचने लगा कि ये बॉल, मतलब जो गेंद है, वो कहाँ से आ सकता है। हो ना हो ये गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल दो चार गाय ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चे की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। तो दिनेश ऐसे सोचता रहा बाहर जाके, तो तभी उसकी मम्मी ने उसे अंदर बुलाया और बोला कि देख, सभी सो रहे हैं और तू ऐसे धूप में घूम रहा है। तो दिनेश गेंद को हाथ में लिए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वो लेट गया और सोचने लगा, भले ही ये गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। तो वो सोचने लगा कि ये किसी की ना भी हो, फिर भी एक बार पूछ लेते हैं। अब गर्मी की छुट्टियां थी, बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थी और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा करते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वो गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। तब वो दोपहर को घर में था, फिर जब शाम को वो चला गया खेलने अपने क्लब में, तब
तो उसने वहां जाके अपने दोस्तों से पूछा कि मुझे एक गेंद मिली है, क्या तुम लोगों में से किसी की गेंद खो गई थी तो बताओ। गेंद तो मेरी खो गई है। तब दिनेश ने पूछा, कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वो गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो गेंद उसे मिला था वो बिल्कुल नया था, तो वो 4 महीने का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर वो मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वो कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, ये कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानू। तब सुधीर ने बुद्धि लगा के बोला कि मेरे हाथ में दो, मैं देख के निशानी बता दूंगा। तब दिनेश ने भी पलट कर बोला कि गेंद हाथ में लेकर तो कोई भी बोल देगा, तो तुम बिना देखे बोलो। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तब सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि ये गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी, और ये कभी ही नहीं हो सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वो मेरी है और सिर्फ मेरी है। तब दीपक भी जिद पर अड़ गया कि वो गेंद उसी की है। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वो जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को नहीं दूंगा, दिनेश ने कहा। इसलिए वो अपना बुद्धि चला के ऐसा बोला। अब गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, ये मेरी है, यही है मेरी गेंद, ये लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद से भी ऐसी ही आवाज आती थी। तो देखिए, अब दीपक उस गेंद को हथियाने के लिए कितने बहाने कर रहा है। पहले उसने कहा कि उस पे जो लाल निशान है वो मेरी ही गेंद पे था, लेकिन वो लाल निशान हर गेंद पे रहता है। फिर उसने उसे ज़मीन पे टप्पा मारते हुए कहा कि इससे जो आवाज़ आ रहा है वो मेरी ही गेंद से आता है, लेकिन ये आवाज़ सारे गेंदों से आता है। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदे हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी, अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसके सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने जब देखा कि उसे गेंद नहीं मिलने वाली, तो उसने बोला, तो ठीक है, तो मैं ये गेंद फेंक ही दूंगा, अब देखते हैं कोई कैसे खेलेगा। लेकिन वो जैसे ही फेंकने गया, दिनेश और अनिल ने उससे गेंद ले ली। अब दीपक ने रुआंसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया, बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूंगा। तब देखा कि और कोई
कुछ बचा ही नहीं उसके लिए, तो उसने अपना लास्ट हथियार आजमाया। उसने बोला कि अगर गेंद मुझे नहीं दी तो मैं इसके पैसे सुनील से लूंगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद के साथ खेलने में कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल ले। अब दिनेश जैसे ही देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है तो उसने बोला, अरे चुप भी हो जाओ, चलो अपने अपने बल्ले मतलब बैट लेकर आओ, हम सभी खेलेंगे। तर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अब खेल शुरू हो गया। अब दिनेश बैटिंग कर रहा था मतलब बल्लेबाजी। अभी दो चार बार ही खेला था कि वो चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजे पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। अब दो चार बार उनका खेल हुआ ही था कि बैटिंग करते हुए बॉल इतना दूर गया कि एक स्कूटर के सामने जो चीज़ रखने की होती है, जो मतलब जगह बना होता है स्कूटर के सामने, उसके अंदर जाके बॉल गिरा। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। तो बच्चों, इस स्टोरी को किसने लिखा है? शांता कुमारी जैन। इस स्टोरी की लेखिका है शांता कुमारी जैन। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? मतलब दीपक ने उस गेंद को अपना बनाने के लिए क्या क्या बताया? तो इसका उत्तर ये होगा कि दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए पहले कहा कि उसकी गेंद पे ऐसी ही लाल रंग की निशान थी जो कि उस गेंद पे थी। दूसरा, कि वो अपने पापा से भी कहलवा सकता है कि वो गेंद उसी की है। तीसरा, उसने जब अपने गेंद को धरती पर मारा तो ये कहा कि इससे जो टप्पा मारने पर आवाज़ आती है वो आवाज़ उसी की गेंद से आती थी। समझ गए आप बच्चों? नेक्स्ट है ख, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देते? ये भी बताओ कि तुम ये फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती? तो पूछा गया है कि अगर दीपक और दिनेश गेंद का फैसला करने के लिए तुम्हारे पास आते, मतलब वो तुमसे आके पूछते कि गेंद किसको मिलना चाहिए, तो तुम किसको देते और क्यों? तो इसका उत्तर ये होगा कि मैं गेंद दिनेश को देती क्योंकि दिनेश सच कह रहा था। वो ये मान रहा था कि वो गेंद उसकी नहीं है, लेकिन दीपक गेंद को अपना बनाने के लिए झूठ बोल रहा था, इसलिए ये गेंद मैं दिनेश को ही दूंगी। अब देखिए नेक्स्ट है, गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा, सोच कर बताओ। मतलब लास्ट में जो हुआ ना कि गेंद स्कूटर के साथ चली गई, तो उसके बाद उस गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा, ये आप खुद कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जब गेंद स्कूटर के साथ चला गया तो उस गेंद के साथ उस स्कूटर वाले के बच्चों ने बहुत खेला होगा, उन्होंने उसके साथ क्रिकेट खेला होगा। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है, तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज ले। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी, लिखो। अब बोला गया है कि आप मान लीजिए कि आपका कोई खिलौना है वो आपके घर में खो गया है,
तो आपने इसके लिए अपने दोस्तों को बुलाया है ताकि वो आपको हेल्प करे ढूंढने में। तो आप उस खिलौने के बारे में ऐसा क्या क्या बताएंगे जिससे आपके दोस्त उसे पहचान पाए? तो आप इसमें लिख सकते हैं कि मैं निम्नलिखित बातें बताऊंगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट होगा, पॉइंट वाइज लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट होगा कि मेरी एक गुड़िया खो गई है। नेक्स्ट होगा मेरी गुड़िया ने गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए थे। नेक्स्ट मेरे गुड़िया के बाल सुनहरे रंग के थे। दूसरा मेरे गुड़िया के हाथ में एक बैग भी था। दूसरे आप लिख सकते हैं कि मेरे गुड़िया के पैर में लाल रंग के जूते थे। ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपका जो प्रिय खिलौना होगा उसके बारे में उसको डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है, मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेलकूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में नियम सोचकर लिखो। तो आप मान लीजिए कि आपके स्कूल में आप किसी खेल के लिए एक क्लब बनाना चाहते हैं, तो इस क्लब में क्या क्या नियम होना चाहिए आप लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं, पहला नियम कि क्लब में सभी क्लब कप्तान का की बातें मानेगा। नेक्स्ट है, इस क्लब में सिर्फ वही छात्र छात्रियां भाग लेंगी जिनको उस खेल में रुचि है। नेक्स्ट, क्लब में सभी समय पर आया करेंगे। नेक्स्ट, क्लब में सभी को बारी बारी से बोलने का अवसर दिया जाएगा। ऐसे आप कुछ और भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, तुम्हारे विचार से इस क्लब की अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत है या नहीं, अपने जवाब का कारण भी बताओ। तो इसका उत्तर होगा कि हाँ, मेरे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों का ज़रूरत है, नहीं तो सभी अपनी मनमर्जी ही करते रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस इमारत में 3 मंजिलें हो उसे 3 मंजिली इमारत कहते हैं। अब बताओ इन्हें क्या कहेंगे। पहला है, जिस मकान में 2 मंजिलें हो उसे हम कहेंगे 2 मंजिली मकान, 2 मंजिली मकान। नेक्स्ट है, जिस स्कूटर में 2 पहिए हो उसे हम कहेंगे 2 पहिया स्कूटर। क्या कहेंगे? 2 पहिया स्कूटर। नेक्स्ट है, जिस झंडे में 3 रंग हो उसे हम कहेंगे 3रंगा झंडा। जैसे हमारे भारत का झंडा है तिरंगा, उसे कहते हैं 3रंगा झंडा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो उसे हम कहेंगे चौराहा। और लास्ट है, जिस स्कूटर में 3 पहिए हो उसे हम कहेंगे 3 पहिया स्कूटर। क्या कहेंगे? 3 पहिया। तो आई होप कि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। बाय बाय बच्चों।